सो हेलो, वेलकम बैक गाइस अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज का ब्लॉग है ऐसे ही, बस निकले हैं बाहर सारे भाई साथ में, क्योंकि मौसम अच्छा हुआ है तो इसकी वजह से आज थोड़ा बाहर निकले हैं। पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको भी दिखाते चलेंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, जस्ट अभी यहाँ से निकल रहे थे, ये पीछे स्टैचू दिखा है इनको, और ये दोनों लग गए, तीनों चारों लग गए फोटो में, फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब से लगे पढ़ने, देखो। अच्छा, तू चश्मे का हाथ लगेगा ऐसे। हाँ। देख रहे हो फोटोग्राफी भाई लोगों की। देख, मतलब देख रहे हो स्टैचू, देखा बंदे का बनना, मतलब कि एक घंटे तक तो स्टैचू बना रहा है। आज सही मौसम हो रहा था तो निकल गए थे बाहर फोटोग्राफी करने के लिए। तो मैं तुम लोगों को ना एक ताऊ से मिलाता हूँ, है ना, अपने ताऊ हैं, दो ताऊ है ना, दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को सबको। ये देखो पीछे पीछे दिख रहे हैं आपको, ये हमारे दो ताऊ। इन ताऊ के नाम मैं बताता हूँ आपको, केरई जानीबेग। इन ताऊ के नाम है केरई और जानीबेग। ये शायद से यहाँ के योद्धा थे, जब वॉर हुआ होगा इनमें तब इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई उस टाइम तो। और बाकी जो मैं अभी यहाँ पर हूँ ना, मैं अभी ये देखो पीछे के साइड एरिया देखने वाला, ये जो एरिया पीछे डोम सा दिख रहा है, ये इनका कोई म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम कजाकिस्तान, मतलब कि इसमें जो भी जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी शहीद हुए थे, तो उन सब के भी स्टैचू, भी स्टैचू का फ़ोटोज़ हैं, साथ में नीचे लिखा हुआ है कब कौन सा वॉर में कब कौन हुआ था, तो इनका ये म्यूज़ियम है। और बाकी जो पीछे दिख रहा है आपको, ये है पूरा पार्क है वैसे, बट अभी तो उसने फॉलो रखी थी तो हरियाली आपको दिख नहीं रही होगी, सिर्फ पेड़ पेड़ दिख रहे होंगे। तो अभी जस्ट हम क्रॉस कर रहे थे तो हमें म्यूज़ियम दिखा, तो हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए थे। बाकी फोटोग्राफी चली रही है भाई लोगों की, तो यहाँ से अभी निकलते हैं आगे की ओर। तो अभी थोड़ी देर पहले भैया जी बोल रहे थे कि इनकी फोटोग्राफी चल रही है, अब भैया जी खुद फोटोग्राफी के लग गए। गाइस, थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाई और अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। इधर ये पीछे म्यूज़ियम है जो मैं कह रहा था आपसे, तो आज जा रहे हैं म्यूज़ियम अंदर। तो अभी बंद पड़ा है क्योंकि आज क्या है कि आज इनका कोई नॉलेज हॉलीडे है, इनका फेस्टिवल है कोई सेलिब्रेशन, तो आज क्या ऑफ मीन्स बंद पड़ा है पूरा म्यूज़ियम जो है, तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे हम लोग। यहाँ जाएंगे अपन लोग अगले हफ्ते, देखते हैं जब ये खुला रहेगा तो अगले हफ्ते जाएंगे। देखो चपरी व्यत प्री व्यत सलेम, छोटा सा बच्चा आया, कह रहा कि मुझे वीडियो में आना है, तो मैंने कहा आ जाओ भाई। तो मैं कह रहा था गाइस कि यहाँ जाएंगे, और बाकी जो पीछे आपको दिख रहे हैं इधर इधर जो यहाँ पे ये प्लेट्स लगी हुई हैं, पर नाम लिखा हुआ है, सारी हिस्ट्री है, यहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ जाते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, जस्ट अभी इनके पास आ गए जो लगी हुई हैं, अब पता नहीं इनमें क्या लिखा हुआ है यार, आप भी देखो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही वाली। ये वाली वो चीज़ है जब अस्ताना का उद्घाटन हुआ था ना, तब अच्छा खिता काटा गया था नूर सुल्तान द्वारा। यार पंडित तेरे कैसे पता? एक बार मैंने देखी थी। तो गाइस इसमें है क्या ना कि मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप कि बहुत सारे जो है ना ये पोस्टर्स लगा रखे हैं, जैसे कि एक दो तीन, मतलब कि हर जगह लगा रखे हैं। और उसके जस्ट पीछे की साइड क्या है अपना, ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर क्या है कि सारा सब कुछ है कि मतलब कि हर तरीके से, मतलब कि जो इनकी शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की, वो हम गए नहीं हैं, बस मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा ही होगा, म्यूज़ियम में तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा है। और बाकी जो जो पहले जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो जो प्रेसिडेंट थे इनके, वो अपने नूर सुल्तान नज़रबायेव थे, आपको दिख रहे होंगे पीछे फ़ोटो में जो हैं, ये नूर सुल्तान नज़रबायेव थे। और अभी रिसेंटली एक साल पहले जस्ट अभी उनका चेंज हुआ है, उनका जो प्रेसिडेंट है
तो उनका नाम है कासिमेव, क्या नाम है पिंडू इसका? नाम नए वाले उनका क्या है, कासिमेव तोकायेव, तोकायेव उनका नाम है तोकायेव। तो अंदर तो देखो हम जा नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो बंद पड़ा है ये, बाकी अगले हफ्ते ट्राई करते हैं आने की। और बाकी अब चलते हैं आगे की साइड। तो गाइस आगे जैसे अपन लोग गए तो ज़्यादा हवा चलने लग गई आज, क्योंकि मौसम -1 है आज का, तो हवा तेज़ चलने लग गई थी क्योंकि उस साइड रिवर थी तो और तेज़ हवा आ रही थी। तो हम लोग क्या अपने वापस आके डॉर्मेट्री पे, ये जो अपना है पीछे दिख रहा है आपको रेड कलर का है, ये सामने ही अपन डॉर्मेट्री है। यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं सारे यहीं पर रहते हैं, और इसके आसपास ही यूनिवर्सिटी है अपनी, जो दो कैंपस यूनिवर्सिटी के सरयार का और बेबीशिले कैंपस, तो वो पास में है। तो ये अपनी डॉर्मेट्री है, तो हम क्या वापस आ गए हॉस्टल की साइड। तो गाइस आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जल्दी, क्योंकि अब तो मैं डेली व्लॉग डालूँगा, जितना हो सके उतनी कोशिश करूँगा जल्दी डालने की। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, see you in next vlog.